इस वक्त नवरात्रि का समय चल रहा है, जहां दुर्गा माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। अब इसी बीच एक खबर सामने आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि योगी राज में तुरंत एक्शन लिया जाता है और यहाँ धर्म का मजाक उड़ाने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाता है। बता दें, नवरात्रि में माँ दुर्गा पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखना काशी विद्यापीठ के एक प्राध्यापक को महंगा पड़ गया है, क्योंकि ये योगी राज है, यहाँ तुरंत एक्शन होता है। चलिए अब आपको पूरी खबर के बारे में बताते हैं। दरअसल काशी विद्यापीठ के राजनीति शास्त्र विभाग में पिछले 7 वर्षों से मिथिलेश कुमार गौतम अतिथि प्राध्यापक के तौर पर पढ़ाते थे। नवरात्रि शुरू होने के साथ ही मिथिलेश कुमार गौतम ने एक पोस्ट अपने फेसबुक पेज पर लिखा। पोस्ट में महिषासुर वध को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें मिथिलेश गौतम ने लिखी। देखते ही देखते ये पोस्ट वायरल हो गया। पोस्ट वायरल होते ही विद्यापीठ के पूर्व और वर्तमान छात्रों की बड़ी संख्या ने इस पर आपत्ति जताते हुए परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन करने वाले छात्रों ने इसे गरिमा के खिलाफ बताते हुए तत्काल कड़ी कार्रवाई की मांग भी की। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिथिलेश गौतम जो है, जो कि यहाँ पे यहाँ के एडॉप्टेड प्रोफेसर भी रहे हैं और यहाँ पे पीएचडी के यहाँ बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा भी देते हैं। अगर इस प्रकार से विश्वविद्यालय में अगर शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो भारत के भविष्य का जो उज्ज्वल, यहाँ भारत के भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल को ठेस पहुँचाई जा रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि दुर्गा हम लोग का है कि इनका निष्कासन हो विश्वविद्यालय से, यहाँ से इनको और खासकर की गिरफ्तारी हो, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर किसी भी प्रकार की अहिंसक अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, उन्हें यहाँ पे सजा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए। वही छात्रों के आक्रोश को देखते हुए काशी विद्यापीठ प्रशासन ने मिथिलेश कुमार गौतम को निष्कासित कर दिया है। इतना ही नहीं, गेस्ट प्राध्यापक के विश्वविद्यालय परिसर में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। बता दें, छात्रों के आक्रोश को देखते हुए विद्यापीठ प्रशासन पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। छात्रों के गुस्से को देखते हुए परिसर में भारी पुलिस बल की तैनाती भी करनी पड़ी है। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने शाम होते होते अतिथि प्राध्यापक मिथिलेश गौतम पर कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल निष्कासन का आदेश भी जारी कर दिया है। इतना ही नहीं, छात्रों के गुस्से को देखते हुए मिथिलेश गौतम के परिसर में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। वह इस पूरे मामले पर जब अतिथि प्राध्यापक मिथिलेश गौतम से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई तो उनके मोबाइल से संपर्क नहीं हो सका है। तो ये खबर यही दर्शाता है कि ये योगी राज है, यहाँ तुरंत एक्शन लिया जाता है, एक्शन से बात होता है। बता दें, ये रिपोर्ट वाराणसी से हमारे संवाददाता शिवम गुप्ता ने भेजी है। इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या कुछ कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मिथिलेश गौतम जो है, जो कि यहाँ पे यहाँ के एडॉप्टेड प्रोफेसर भी रहे हैं और यहाँ पे पीएचडी के यहाँ बच्चों को, छात्र छात्राओं को शिक्षा भी देते हैं। अगर इस प्रकार से विश्वविद्यालय में अगर शिक्षा दीक्षा दी जाती है तो भारत के भविष्य का जो उज्ज्वल, यहाँ भारत के भविष्य उज्ज्वल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे धार्मिक स्थल को ठेस पहुँचाई जा रही है। यहाँ पे लिखा गया है कि दुर्गा हम लोग का है कि इनका निष्कासन हो विश्वविद्यालय से, यहाँ से इनको और खासकर की गिरफ्तारी हो, क्योंकि हमारे धार्मिक स्थल पर अगर किसी भी प्रकार की अहिंसक अगर टिप्पणी करते हैं तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, निष्कासन होना चाहिए, उन्हें यहाँ पे सजा होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए।